इस वीडियो में हम फंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत ही बेसिक सा बात है कि पहले होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी होने के बाद होता है कैरियोगैमी। अभी बात है कि प्लाज्मोगैमी है क्या। प्लाज्मोगैमी मतलब द फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का जब फ्यूजन होगा उसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। और उसके बाद जो इसमें जो न्यूक्लियस है, इसमें जो न्यूक्लियस है, ये दो जब फ्यूजन होगा, ये जो दो जब फ्यूज्ड हो जाएगा तब उसको हम बोलेंगे कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी होने के बाद मियोसिस होता है, लेकिन वो मियोसिस डिले भी हो सकता है या फिर इमीडिएट भी हो सकता है। और इमीडिएट और डिले होने की वजह से स्पोर टू एन हो सकता है या फिर एन हो सकता है। जो डिले करेगा वो टू एन स्पोर होगा, जो डिले नहीं होगा मतलब इमीडिएट हो जाएगा वो होगा हैप्लॉइड स्पोर। अभी डिले होने के लिए जो टू एन स्पोर होता है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, जो रेस्टिंग स्पोर है। रेस्टिंग स्पोर कौन सा होता है, ऊ स्पोर एंड जाइगोस्पोर। और जो एन स्पोर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से जो होता है वो क्या होता है, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। अभी मैंने पहले बोला था कि पहले होगा प्लाज्मोगैमी, फिर होगा कैरियोगैमी। देखो कैरियोगैमी, कैरियोगैमी उतना डाइवर्सन नहीं है, या फिर जस्ट दो न्यूक्लियाई आएगा, फ्यूज हो जाएगा, फिर मियोसिस होने के लिए रेडी होगा। लेकिन जो प्लाज्मोगैमी है, प्लाज्मोगैमी मतलब है कि दो न्यू प्रोटोप्लास्ट का जब कंजुगेशन होता है। लेकिन एक प्रोटोप्लास्ट का जब कंजुगेशन होगा उसका बहुत सारे पाथ है, बहुत सारे डिफरेंट पाथ में हो सकता है। और इसी वजह से प्लाज्मोगैमी का हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मोगैमी देखते हैं। तो अभी हम वही डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मोगैमी को देखेंगे। प्लाज्मोगैमी को देखने के पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, प्रोटोप्लास्ट चाहिए यानी दो न्यूक्लियस चाहिए। अब ये दोनों न्यूक्लियस कहाँ से आ सकता है, एक सोर्स होता है गैमेट, दूसरा सोर्स हो सकता है गैमेटेंजिया, तीसरा सोर्स होता है, हो सकता है स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल, चौथा सोर्स हो सकता है सोमाटिक हाइफी। तो इन्हीं फोर टाइप के वजह से जो प्लाज्मोगैमी है उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मोगैमी देख सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर गैमेट में प्लाज्मोगैमी हो जाए, दो टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट का जब प्लाज्मोगैमी हो जाए तो उसको क्या बोलता है, फिर हम देखेंगे गैमेटेंजिया का प्लाज्मोगैमी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फिर हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल, फिर हम देखेंगे सोमाटिक हाइफ। अभी हम देखेंगे गैमेटिक कॉपुलेशन। अब गैमेटिक कॉपुलेशन में जब मान लो कि दोनों सेम साइज का हो, सेम मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट नहीं हुआ है, इधर दोनों ही मोटाइल है, इसमें अगर क्रॉस हो जाए, इसमें अगर गैमेटिक, इस गैमेट में अगर कॉपुलेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं आइसोगैमेटिक कॉपुलेशन। जब इनमें से ही फीमेल पार्ट जब बहुत लार्ज होगा, मोटाइल भी होगा, लेकिन जो मेल पार्ट है वो थोड़ा सा स्मॉल होगा लेकिन मोटाइल होगा, इनमें से जब कॉपुलेशन हो जाए तो तब उसे बोलता है एनाइसोगैमेटिक कॉपुलेशन। लेकिन जब जो फीमेल पार्ट है बहुत ज़्यादा लार्ज होगा लेकिन मोटाइल नहीं होगा, नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल पार्ट होगा वो थोड़ा सा स्मॉल होगा और लेकिन मोटाइल होगा, ऐसा टाइप जब गैमेटिक कॉपुलेशन होता है तब उसको बोला जाता है हेटेरोगैमेटिक कॉपुलेशन। तो इधर याद रखना होगा कि गैमेटिक कॉपुलेशन जो है दो टाइप का हो सकता है, आइसोगैमेटिक कॉपुलेशन एंड एनाइसोगैमेटिक कॉपुलेशन। और एक और टाइप हो सकता है वो है हेटेरोगैमेटिक कॉपुलेशन, जब होगा क्या कि जो मेल, जो फीमेल गैमेट है वो बहुत लार्ज होगा लेकिन नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल पार्ट होगा वो थोड़ा सा स्मॉल होगा लेकिन मोटाइल होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अबाउट द कॉपुलेशन ऑफ टू न्यूक्लियाई। तो उसमें से सोर्स मैंने पहले बताया गैमेट, दूसरा सोर्स है गैमेटेंजिया। तो गैमेटेंजिया का वजह से दो टाइप ऑफ प्लाज्मोगैमी होता है, एक है गैमाटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमाटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि एक एंथ्रेडियम होता है और एक उगोनियम होता है। अब ये क्या चीज़ है, देखो ये मान लो मेल गैमेटेंजिया, इसमें क्या है, इसको बोला जाता है एंथ्रेडियम, और ये मान लो फीमेल गैमेटेंजिया, इसको बोला जाता है उगोनियम।
अब देखो दोनों डिफरेंट है, दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विशेबल है। और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि दो गैमेटेंजियल डिस्टिंग्विशेबल हो सकता है, हो नहीं होगा। अब इन दोनों में क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनने का वजह क्या है, इसमें जो मेल न्यूक्लियाई है इधर से जाएगा, इधर से जाने के बाद जो इधर का जो ऊस्फियर है, इसको बोला जाता है ऊस्फियर, जो ओगोनियम का जो न्यूक्लियस है यानी जो फीमेल न्यूक्लियस है उसको बोला जाता है ऊस्फियर। ऊस्फियर में जाके इसके साथ कॉन्टैक्ट करेगा और इसके साथ कपुलेट करेगा और हो जाएगा क्या, जो स्पोर बनेगा उसको, उस स्पोर को बोलेंगे हम ऊस्पोर। ऊस्पोर क्या है, टू एन स्पोर है, ये एक मेथड है। और एक मेथड ये भी हो सकता है कि जो एंथ्रिडियम है और जो ओगोनियम है वो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और इधर एक जो कॉन्टैक्ट जो रीजन है उधर एक पोर बन जाएगा और पोर बनने की वजह से जो मेल न्यूक्लियस है वो इससे जाएगा और जो ऊस्फियर है उसके साथ कॉपुलेट कर जाएगा। तो ये है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का कॉन्सेप्ट। अभी जो सेकेंड टाइप ऑफ गैमेटेंजियल प्लाज्मोगेमी है वो है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अब गैमेटेंजियल कॉपुलेशन का क्या फंडा है, इसमें जो गैमेटेंजिया रहेगा वो नॉन डिस्टिंग्विशेबल होगा, या फिर आप इस दोनों में कभी डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इस दोनों में डिस्टिंग्विशेबल है क्या, नहीं है। तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में आप दो गैमेटेंजिया को कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये सेम होगा, इसलिए हम इसको प्लस माइनस करके बताते हैं, क्लास प्लस मतलब मेल माइनस मतलब फीमेल। अभी इसमें क्या होगा, जो प्लस का जो प्रोटोप्लास्ट है और जो माइनस का जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक कॉमन एरिया पे आएगा, कॉमन एरिया में आके इस इधर एक्यूमुलेट करेगा, इधर इसका सारे न्यूक्लियस सब कुछ एक्यूमुलेट करेगा और धीरे 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 ये डीजेनरेट हो जाएगा और जो स्पोर बनेगा वो होगा जाइगोस्पोर। कुछ कुछ ऐसा भी एग्जांपल है जहाँ पर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन का वजह से जो स्पोर होता है वो 2N ना होके N मतलब एस्को स्पोर भी होता है। इसका क्या एग्जांपल है हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। अभी हम गैमेटेंजियल प्लाज्मोगेमी को देख लिए। अभी हमारा जो तीसरा सोर्स था वो था स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल। जब मेल स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल जिसको बोला जाता है स्पार्माटिया स्पार्मासिया और जो फीमेल रिसेप्टिव हाइफा है उसका बीच में जब कॉपुलेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम स्पर्माटाइजेशन। दोनों में जब कॉन्टैक्ट हो जाएगा तब इधर एक पोर स्पेस तैयार होगा और इधर जो मेल न्यूक्लियाई है उधर जाके इसके साथ मिल जाएगा, कॉपुलेट हो जाएगा और इसको बोलेंगे हम स्पर्माटाइजेशन। अभी स्पर्माटाइजेशन की वजह से हमेशा हैप्लॉइड स्पोर बनता है और होता है एस्को स्पोर एंड बैसिडियो स्पोर। तीसरा जो हम बोले थे कि सोमाटिक हाइफी, दो यूनिन्यूक्लिएट मोनोकैरियोटिक सोमाटिक हाइफी में जब कॉपुलेशन होता है तब उसको बोला जाता है सोमाटोगैमी। जो सोमाटोगैमी से जो स्पोर बनता है वो होता है हैप्लॉइड एस्कोस्पोर एंड बैसिडियोस्पोर। एक और भी स्पेशल है कि हम देखेंगे राइजोइडल सिस्टम। जो राइजोइडल सिस्टम है वो होता है ब्रांच्ड हाइफी और जब ब्रांच्ड हाइफी में जब कॉपुलेशन हो जाता है तो उसको बोलता है राइजोइडल सोमाटोगैमी। इसका भी एग्जांपल हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो अभी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि बोला था कि गैमेटिक कॉपुलेशन जो है उसका दो टाइप है, आइसोगैमेटिक एंड अनआइसोगैमेटिक। आइसोगैमेटिक का एग्जाम्पल है सिनचैट्रिकम एंडोबायोटिकम और दूसरा एग्जाम्पल है ओल्पिडियम ब्रासिकी। और जो एनाइसोगैमेटिक कॉपुलेशन जो है गैमेटिक कॉपुलेशन उसका एग्जाम्पल है एलोमाइसिस स्पीसीज। अभी जो हेटरोगैमेटिक कॉपुलेशन का जो एग्जाम्पल है मोनो ब्लेफारिस स्पीसीज। अभी जो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है पक्सिनिया, ठीक है। अभी जो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जो था उसका एग्जाम्पल है राइजोपास म्यूकोर राइजो फाइडियम डिप डास्कास स्पीसीज।
अब जो स्पर्माटाइजेशन है, स्पर्माटाइजेशन जनरली बैसिडियोमाइसिटिस का जो फंगी होता है वो शो करता है। फोर्थ जो हमने बनाया था कि सोमाटोगैमी, जो सोमाटोगैमी में एक हम बात किए थे कि माइसेडियल ब्रांच जो होता है उसमें भी सोमाटोगैमी होता है। तो जो राइजोमाइसेडियल जो होता है उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है काइट्रियोमाइसिस। जो काइट्रियोमाइसिस है इसमें राइजोमाइसिडियल सिस्टम रहता है और उनमें राइजोमाइसिडियल सोमाटोगैमी भी देखते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो फ्रूटिंग बॉडीज है, एस्कोकार्प का जो टाइप है, क्लिस्टोथेसिया, पेरिथेसिया, बैसिडियोकार्प, ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में। देखने के लिए धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।